कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के कोचिंग डिपो में कोचों को आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित किया जा रहा है। पारदर्शी प्लास्टिक पर्दों से युक्त प्रत्येक कोच में बने आइसोलेशन वार्ड में पहला केबिन चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए, जिसमें मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा, दवाएं, उपकरण आदि उपलब्ध रहेंगे तथा बाकी 8 केबिन रोगियों के लिए तैयार किए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड में भारतीय शैली के शौचालयों को बाथरूम में परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें लॉग हैंडल टैप और हैंड शावर के साथ साथ एक बाल्टी मग भी उपलब्ध कराए गए हैं। मच्छरों के प्रवेश से बचने के लिए मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई है तथा उचित वेंटिलेशन भी दिया गया है। प्रत्येक केबिन में सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा एवं खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण के लिए फुट पैडल ऑपरेटेड ढक्कनदार 3 अलग अलग डस्टबिन लाल, नीला, पीला प्रदान किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे को मिले 216 कोचों में से 196 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 से रोकथाम हेतु रेलवे लगातार नए नए प्रयास कर रही है और इसी क्रम में हम लोग आइसोलेशन फैसिलिटीज कोचेज में डेवलप करने का कार्य भी कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे को कुल 216 कोचेज को आइसोलेशन फैसिलिटीज के रूप में डेवलप करने का लक्ष्य मिला था, जिसमें से 196 कोचेज पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गोरखपुर आंतरिक कारखाने को कुल 78 कोच कन्वर्ट करने थे आइसोलेशन सुविधा के लिए, जिनमें से पूरे के पूरे 78 कोच को कन्वर्ट कर लिया गया है। इस कोचेज को कैसे यूज करना है, इसमें क्या इक्विपमेंट्स रहेंगे, कौन से डॉक्टर रहेंगे, इसका डिटेल प्रोटोकॉल बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा।